असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू द लाइफ साइंसिस टूडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टॉपिकटरी सिस्टम इन इनपायरेटरी सिस्टम वी विल डिस्कस अबाउट अ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शनटरी सिस्टम बिकॉज आवर मेन टॉपिक ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द कम्परेटिव अनाटमी चूँकि हमारा कंपेरेटिव अनाटमी एक मेन टॉपिक है तो हम आज जो है स्टडी करेंगे जस्ट लिटिल इंट्रोडक्शन की कि क्या होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम सो लेट्स स्टार्ट रेस्पायरेटरी सिस्टम द प्रोसेस इन्वाल्व इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दो एस बेटा ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इन बिटवीन जो एक्सचेंज है ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले लेता होता है कार्बन डाइऑक्साइड दे देता होता है इस एक्सचेंज को क्या कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या हम अपनी लिए इसको समझने के लिए इसको ब्रीदिंग भी बोलते होते हैं ठीक है ब्रीदिंग भी बोल दिया जाता है आर्गन आर कंसर्न विद द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आर कलेक्टिवली फॉर्म द रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको पता है कोई भी आर्गन सिस्टम जो है वो मिलता है विद द कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स तो इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पास नेजल कैविटी है फेरिंग्स है उसके बाद ले, लेरिंग्स ट्रैक लंग्स ब्रोंकाई ब्रोंकाई के बाद आपके पास समालर ब्रंक्यूल्स आ जाते हैं और एंड पे आके एल्वलई बन जाते हैं तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं external respiration is followed by the internal respiration which involves not only exchange of oxygen and carbon dioxide between the capillary blood and the tissue fluid but also use oxygen in glucose oxidation to produce energy the main thing in this is the use oxygen to produce energy यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में सिंपली एक्सचेंज होता है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जबकि इंटरनल रिस्पायरेशन की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया जाता है ऑक्सीजन को यूज करके इंटरनल इंटरनली ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करके वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जो है उसको इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन क्योंकि आप लोगों को बेटा पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ही जो है वो मेन कैरियर होता है ऑक्सीजन का ब्लड जो है ब्लड मेन कैरियर है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है मूव करती है थ्रू आउट द बॉडी और वही हीमोग्लोबन ले आता है वापसी पर कार्बन डाइऑक्साइड को तो सर्कुलेटरी सिस्टम मेन रोल प्ले करता है

in this chapter in this discussion the comparative anatomy of a respiratory system we will focus on the organs involved in the external respiration so keep it in mind adaptations for external respiration in adult vertebrate major organs of external respiration are एडल्ट एडल्टल्टीब्रेड्स में एक्सटर्नल गिल्स होते हैं या फिर इंटरनल सी यू कैन सी हेयर दीज आर द एक्सटर्नल गिल्स हेयर यू कैन सी दीज आर द एक्सटर्नल गिल्स एंड दीज आर शोन इन द लंग फिश इनडिल्स एंड फ्रॉग्स यू कैन ऑल्सो सी हेयर दीज आर इंटरनल गिल्स जो फिश के अंदर अमूमन हम देखते होते हैं ये वाले गिल्स इसके इंटरनल गिल्स होते हैं जबकि ये वाले गिल्स जो हैं ये एक्सटर्नल गिल्स हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल गिल बुको म्यूकोसल बुको फ्रिंजल म्यूकोसा बुको फ्रिंजल म्यूकोसा जो है ये होता है एम्ब्रियो की कंडीशन में यहाँ पे आप बुको फ्रिंजल मिब्रैन ऑब्जर्व कर सकते हैं इसी के अंदर वाला हर्फिस जो होता है उसको म्यूकोसा कहते हैं स्किन होती है जो एक्सटर्नल रेस्पाइशन में इन्वॉल्व होती है स्विम ब्लेडर है एंड लंग्स हैं ये जो ऑब्वियसली हम, हम देख भी सकते हैं ह्यूमन के अंदर और आलमोस्ट तमाम मैमल्स में जो है लंग्स पाए जाते हैं देयर आर सर्टेन अदर पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रेयरली यूज फॉर रेस्पायरेशन कुछ और पार्ट्स भी हैं जो बहुत कम यूज किए जाते हैं रेस्पायरेशन में जैसा कि शी आर फिलामेंटस आउट ग्रोथ ऑफ द पैक्टोरियल इन आर ऑफ द होस्टीरियर ट्रंक रीजन एंड थाई एज एन अफ्रीकन हेरी फ्रॉग क्लोइकल

विथ द रिस्पायरेटरी सिस्टम टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द रिस्परेटरी ऑर्गन्स एंड देयर कंपेरेटिव प्रस्पेक्टिव विशिंग यू ऑल द बेस्ट बेटा अगर वीडियो पसंद आई है लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें